या तेरे के आठ हो रही थी क्या क्या इतना बीच में हम भाई ये दिख रहे थोड़ी की क्या हो रही थी वो कड़े के लग रहे कौन था तुमने के बराबर तो करवा रहे हैं काम नहीं पर तुमने के आठ हो रही थी तो कौन की ताड़े तो जितना हम बुलाए थे हम पहुंच तो गए अड़े है तो कौन है किसी आग पे हम तो अड़े देख सारे देख लिया तो जुगाड़ ले रहे थे कुहाड़ यार और जुगाड़बाजी धक्का 10-15 आदमी थे। अच्छा और मेरे पे वारदात कर रहे थे मैं डरता भी गया मन्ने नहीं मेरा के वाड़ा था के नहीं मेरे पे सबूत रिकॉर्ड में मामला क्यों गया तू तो नहीं बताओ था हथियार भी ले रहे थे कुहाड़े भी ले रहे थे यार आड़ खेत में क्या कर गए रे सामान खेत में तो भाई फिर बताऊंगा मैं बताने जो को नहीं मन्ने डर लग गया पहले मेरे मारने की भी धमकी आ गया 10 कम से कम 9-10 बंदे गाड़ी गुड्डी कौन सी थी ट्रैक्टर ले रहे थे महिंद्रा ट्रैक्टर है 3 मोटरसाइकिल है फोटो है वीडियो सारा सब छत्तीसगढ़ बना दिया भाई जमा कुतराना गाँव का है कुतराना गाँव में मारा द्वारा फोन आए करमवीर भाई के अरनू का भाई मन्ना मिला है धमकी और भाई कुहाड़े लेकर आ रहे थे और भी हथियार ले रहे थे 10 आदमी थे हाँ, कम से कम 10। अच्छा हाँ। के कर गिर करके के गए चोट फेट तो नहीं मार गए नहीं मेरा चोट फेट कौन मारी बाकी धमकी मैंने मिला है अगले नु कहते ना नबेड़े जाएंगे जमाए टाएंगे जाएंगे भैया। अच्छा हाँ। के कर गिर वहां हथियार के लेकर के बहुत धक्का कर के मेरे पे धमकी आवे छक्का आवे जमा रोज आवे है 5वां दिन आज। अच्छा मैंने 5 दिन हो गए जो भी है मेरा मैटर है आपने आराम से सुना दूंगा बहुत मेरा गला बेहद इतनी हो रही है कल्ला जमा कल्ला ईसा हो गया सिस्टम बहुत मैं मेरा खेत छुटाने वाला काम हो रहा है हम देख सको भाई किसान का यू बेटा है और युवा किसान है जागरूक किसान ना कटी में ना बदी में कोई किसी प्रकार का ना मैं क्या है मैं भी हर बात का सारा सबूत है मैं दे दूंगा सारी चीज दे दूंगा खेत छुटवाने वाला बहुत हो रहा मन्ने नू कहे तने बोलिया नबेड़ जाएंगे ठुआ जाएंगे कोई पुलिस की धमकी कोई सारी मेरे द्वारा कौन लोग थे क्यों करके है थोड़ा बताया देख बार क्योंकि प्रोग्राम लंबा हो जाएगा दर्शकान थोड़ा थोड़ा बताया दे क्या मामला है बताए एक बार ये है भी हो एक बार दिखा दे करके के गए पहले उनके कारनामे तो दिखा दे एक बार के करके आप देख लिया जो क्योंकि भाई हथियारा समेत थे 10-12 जने बतावे है और कुचराना का करमवीर मारा द्वारा फोन आए करमवीर भाई के नुका हथियारों से लैस मानस जो है वो खेत में पहुंच गए। ओहो 1 साल से कटा है कम से कम अगला खुद अपने मुंह कह रहा है। अच्छा मेरे पर रिकॉर्डिंग सबूत वीडियो सबके महकमा के सारा के ट्रैक्टर के मोटरसाइकिल सारा सौदा के और 1 साल तक खुद आप कवे हो बड़ी बात और कोई बल्ला कोई कार्रवाई नहीं मेरे पे ऑब्जेक्शन हो रहा है मेरा पे धमकी लग रहे देने नु कह बोले इतने ठुआ देंगे इतने न्यू करा देंगे कोई पुलिस की धमकी कोई आपकी खुद की महकमा के खोद जो ये पेड़ भी बेकार सब पेड़ डाटे तो मैंने धक्का दिखाइए पर थोड़ा एक बार दिखाइए भाई देख रहे एक तो यू काट दिया ये तो मानस मारण भर का काम हो रहा है भाई क्योंकि देखो पेड़ पौधे हैं तो आप सांस ले रहे हैं फिलहाल अगर मैं बात करूं एक सर्वे के मुताबिक 500 करोड़ पेड़ों की जरूरत है फिलहाल ताकि आप साफ सुथरी और ठंडी हवा में सांस ले सका। फिलहाल अगर मैं बात करूं थोड़ी सी गर्मी होंगे 45 डिग्री टेम्परेचर हो जाए 45 से 55 और 55 से 65 होंदे आने लगती और यानी कि 56 डिग्री के बाद आदमी का जीना मुश्किल हो जाए तो ये देखो भाई किस तरह से पेड़ों की लाश का इसका नाम तो करमवीर भाई ने बहुत बड़ा खुलासा कराया है यू। अच्छा ये कौन लोग थे भाई करमवीर कुछ के बताओ थे कोई आईडी वीडी चेक करी हो इनकी आईडी मेरे पास रिकॉर्डिंग है सबूत है वीडियो मेरे पास। अच्छा हाँ हर मोटरसाइकिल के हैं फोटो है मेरे पास वीडियो ये भाई ये बाकी और खेच के धक्का तो ले गया महकमा का। अच्छा गोगड़िए का सेवा सेवा। अच्छा और जो नु कह रहा था मैंने कह लाया हो उती जमा धक्का तो ले गया खेच के महा उती हाथ जोड़े पैर पकड़े मेरे पर रिकॉर्डिंग है उसकी बोलिया भाई मैं गरीब आदमी हूँ दोबारा मेरे पास सारे कितने लगभग कितने तो पेड़ काटे गए हैं। अच्छा पर लगन देव काट रखे हैं सारे परला करना तो अपने खेतों में एक साल से कटे हैं कम से कम एक और कोई रिकॉर्ड नहीं कोई संभाल नहीं क्या है की भी मामे तो खेत में डाला टूट जे हम तो डरा हाँ मामे तो जे डाला डाय पड़ा है जे पूछना पड़ा है नीचे बाहर गेड़ा भाई डिपार्टमेंट पे पूछना पड़ा के देखा हम खाई सिकंदर नहीं करते एक डबड़ा तो मैं ना रखा खत्म हो जाए खेत का। तो ये वन विभाग के लोग थे या चुकर के थे इनकी शिनाख्त हो भाई एक तो सचिन मलिक है बाकी मेरे पास वीडियो है रिकॉर्डिंग है सारे हैं एक जो भी हमारे पास हर फिलहाल भाई आज फिलहाल जो है तुम लाइव इस में वीडियो में तुम देखने लग रहे हो जो करमवीर भाई ने जो सबूत इकट्ठे करे हैं
या फिर वहाँ लोग और बाढ़ आसपास के और लोग भी मौके पर पहुंच गए हैं। क्या नाम भाई? कपिल। कपिल भाई, इस बात में कितनी सच्चाई है भाई? अवैध कटाई चल रही है पेड़ों की। अवैध तो ऐसा जैसे कर्मचारियों को पता चला भाई ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, वो अगला दिन भी नहीं आए। अगर ये वो सत्य काट रहे होते नहीं तो अगला दिन भी आते। चोर की दाढ़ी में तिनका। हाँ, यही बात है जी। चोर की दाढ़ी थोड़े थोड़े तो दिखा दिया, दिखा दिया एक बार दर्शक ने भाई कितने आड़े तो पेड़ जो है अवैध रूप से कटाई होने लग रही है। ये वीडियो तो हम साथ की साथ देखने लग रहे भाई। ये वीडियो जो कर्मवीर ने उस टाइम मौका वारदात पे जो वीडियो बनाई है उन लोगों की, वह साथ की साथ हम देखने लग रहे हो। और तो हम देख सको किस तरह से अवैध कटाई की है तस्वीर, ये तो हम देखने लग रहे हो। कोई भी मेरी कोई भी कार्रवाई खुद मेरे पे मन ने खतरा हो रहा, मन ने जान का खतरा, धमकी लग रहे खुद देना। अच्छा, पांचवा दिन आज रोटी छोड़ रखी है घर, खेत आठ डांगर है मेरे भाई। एक टाइम तो था बिल्कुल का दिक्कत, मैंने कोई भी घर आठ मैस है, एक गौ का जाया है, कोई भी संभाल नहीं है, मैंने घर छोड़ रखा है सिर्फ इस डर में। वारदात होगी जो उठ गया नहीं रुक, मेरा जुम्मा पड़ भाई। एक टाइम तो वो था जब चिपको आंदोलन चल रहा था, लोगों ने पेड़ा का चिपट चिपट कर क्यों भाई बताओ, पेड़ों का बचाओ। और बोलते हैं एक पेड़ा तो जरूर लगाए, एक लड़का हो चाहे लड़की, एक पेड़ा लगाए बिल्कुल। एक तरफ तो वो बोलते हैं, ये देखो थोड़ा कूद जाएगा भाई इन्होंने, ये देखो भाई किस तरह से जमा अरे भरे पेड़ जो हैं, ये देखो भाई रखे हैं जमा, ये देखो तो हम देख सको हो। ये एक साल तक होता है, कम से कम साल थोड़ी को नहीं होती। अच्छा। कोई रिकॉर्ड नहीं, सारा सरकार कड़ा गया, महकमा अपना महकमा में ही आए। एक अगला खुद कह मेरे पास रिकॉर्डिंग है, सबूत है खुद। ये देखिए भाई, ये देखो भाई तुम देख सको हो, ये लाइव तस्वीर तुम फिलहाल कुचराना गाँव से। एक बात जरूर कहेंगे इस मामले की पड़ताल होनी चाहिए, अग भैया हरे भरे पेड़ आखिर किसकी परमिशन तक कहते जान लग रहे हैं। क्योंकि जैसे ही कर्मवीर ने वीडियो बनानी शुरू करी तो भाई वह अपने अस्त्र शस्त्र लेकर हड़ते फरार हो गए। ट्रैक्टर का फोटो वीडियो सारी, तीन मोटरसाइकिल थे, नौ दस बंदे थे, फिर इस खेत वाला की धमकी आई मेरे पे, तो मैंने वह भी मेरे पे इसकी भी रिकॉर्डिंग है। इतनी न्यू कह रहे खुद बोलिया तेरा खेत में तभी कटे बोलिया 76 लाख कटे, एक साल तक कटे बोलिया नौ जो ही कटा जा रहा था। अच्छा। मन ने न्यू नहीं बेरा भाई, तो साल तक तो कटवा रहा मां, मेरा तो खोट को नहीं, मैं तो सरकार ही लह रहे हैं अपना 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 के रोल है इसमें। बिल्कुल सरकार का काम है, मैं आज पूछ लिए जे तुम ना तन्न धमकी दे दी। यानी कि भाई सीधी बात है, अगर ये विदाउट परमिशन ये पेड़ काटे जा रहे हैं तो ये बहुत बड़ा मामला है, बड़ा स्कैम है। यानी कि वन विभाग के अपने आपने वन विभाग के कर्मचारी बताओ है। एक है सेवा घोगड़िए का, उसकी मैंने कह लो रजिस्टर ठहरा, पहला तो बोलिया मेरा बोलिया काम को नहीं, मैं बोलिया महकमा में को नहीं, मैं तो आए करता 12 साल तक, बोलिया भाई मेरा तो बोलिया तो छुट्टी हो रही है, मैं तो बोलिया हूँ मैं ठीक है। कल रजिस्टर ठहरा आ गया, मैंने उसके रजिस्टर के फोटो भी तारे, वो पूरे चाहो था पेडे पूरे कर दूं ठीक, और रजिस्टर मन्ना उसके फोटो है मेरे पे। अच्छा। मैंने वो करिया उतिया हाथ पैर जोड़े, मैं चल की मेरी बात, फिर आज भी आया, पांचवा दिन हो गया, मैं रोज की रिकॉर्डिंग, रोज की सबूत, हर सबूत है मेरे पास, जो सा नहीं होता वो कुछ सबूत, कुछ सबूत हमने इस वीडियो में भी देखने मिलेंगे। फिलहाल जो है आसपास के खेतों के लोग भी आड़े पहुंच गए हैं। क्या नाम? विजेंद्र। तो प्रदीप भाई के इसमें कितनी की सच्चाई है, क्यों करके हैं, कौन लोग थे? कुछ बेरा पटियार जैसे कर्मवीर भाई बतावे है भाई, कुहाड़ा वगैरह ले रहे थे और भी आरी वगैरह पूरी तैयारी में रहे थे भाई, और कोई पेड़ काट के हट दो भाई जी, काटने लग गए हैं तो हथियार तो लेकर आवेंगे, वह तो एक घंटा में ट्रैली भर रहे हैं, ट्रैली वह जब फुल कर रहे। अच्छा। जो थोड़े बहुत बाहर निकले थे उनकी कटर सागल काटन लग रहे थे, तो मैंने भी देखा दाएं बाएं भाई कोई है निकल आदमी का, ये आठ नौ जने थे वह। अच्छा, वो कई बार पक्के भी उनकी एड एक ललिसपेदा काटा था, लगातार बदस्तूर जारी है अवैध कटाई। मन ने उस दिन फिर मैं कोठा में जाएगा, उड़े नजदीक थे मेरे ट्रैक्टर खड़िया, मेरे ने सोची महाऊ तो करा मेरे, या तो रहा नहीं भाई तो 112 पे डायल लले कर दे बैंदी पकड़ ले। तो मैंने सोचा मैं वन विभाग की उस पर साइट पे खोल कर ना, मैंने इन पे एक नंबर पाया इनका जो लैंडलाइन है उस पर फोन करया, कम से कम भी मेरा मैंने 10-12 बार कॉल करी है, किसी ने लले क्या पता वो फोन चल रहा था कि नहीं चल रहा था, घंटी तो गई है उस पर लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। तो फिर बता और किसका लो करा, बिल्कुल फोन कोई बदल जाए। बिल्कुल एक जागरूक किसान होने के नाते इन अपनी तरफ से जो फर्ज था वो पूरा करा, सरकार को चौकन्ना करने का प्रयास था, सरकार को सजग करने का प्रयास था, लेकिन उसके बावजूद भी
हथियारों से लैस अवैध कटाई का यू बदस्तूर जो काम चल रहा है उसका खुलासा कुचराना गांव तक करमवीर जिसने की काफी सारे सबूत भी हमारे को सुपुर्द करे हैं जो कि तामने इस वीडियो में देखने में मिलेंगे। तो इन तस्वीरों पर छोड़कर तारती जान लाग रहे हैं, वीडियो ने शेयर कर दो ताकि सरकार तक और प्रशासनिक अधिकारियों तक यह वीडियो पहुंचे और इस जो यू अवैध कटाई का जो धंधा चल रहा है इसकी पोल खुलनी चाहिए। मामले का दूध और पानी का पानी होना चाहिए क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की अगर मैं बात करूं तो एक तरफ तो टेम्परेचर बढ़ने लग रहा है और दूसरी तरफ यह अवैध कटाई चल रही है। तो आदमी भी आके मैंने जो महकमा कहा है खुद में मेरे पास उनके नंबर भी वहां भी मैंने धमकी दे हैं गांव के मेरे तो रदम किया ली मैंने मेरी जैन ने खतरा हो रहा खुद अगले आज भी उन्हें मेरे तो आज भी तीन दो नंबर पता धमकी आ रही है। सचिन मलिक है और एक है यू कौन सा है मैंने उसकी मैं जानता को नहीं। मेरे पास हर सबूत सारा सौदा मेरे पास रिकॉर्ड है मेरे पास जमा दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा मन्ने न्याय चाहिए मन्ने नहीं जब मार देंगे कोई गारंटी नहीं। भाई फिलहाल इन दुखद तस्वीरों पर छोड़कर धरती जान लग रहे हैं ये किसान बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है इस बात है अब भाई ये जो जिनका सारा हम सांस ले वहाँ उनको किस तरह से कट कट के दराशाई कर दिया गया ना शेयर कर दो भाई ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। दोषी बचना नहीं चाहिए और निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। कर दो शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान।